दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ये भोपाल से आ रहे हैं तो 6:55 पे वो आने वाले हैं। यहाँ देख पा रहे हो कि ये वाली सब गाड़ियाँ हैं, जबरदस्त पूरी गाड़ी लग गई लाइन से, जिसमें बैठने वाले फॉलोइंग गाड़ी भी है। पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं, बस यहाँ से दिख गया है मुझे, और वहाँ पे आने वाले हैं। देख पा रहे हो इस तरीके से, देख पा रहे हो पुलिस वाले लोग साथ में। वो देखो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ गए। वो देख पा रहे हो सामने जा रही है प्रदीप मिश्रा जी, और मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच तो चुका हूँ। जोहर दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ रायपुर एयरपोर्ट, विवेकानंद हवाई अड्डा जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आने के कारण भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि दोस्तों अभी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर आने वाले हैं। विवेकानंद हवाई अड्डा आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे, काफ़ी खूबसूरत सा हवाई अड्डा है ये रायपुर का। देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा जगह है ये। तो दोस्तों, अभी फिलहाल पंडित प्रदीप मिश्रा जी का टाइम हो रहा है, होने वाला है 6 से 6:30 का टाइम है उनका फ्लाइट का। तो वो सीधा यहाँ पर आ रहे हैं, इसके बाद यहाँ से वो गाड़ी के मदद से जाने वाले भिलाई, जहाँ पर जयंती स्टेडियम पर उनका कथा होने वाला है। कल से स्टार्ट हो जाएगा उनका कथा, शिव महापुराण कथा। तो आप सभी वहाँ पर भी पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आइए और कथा का रसपान करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, टाइम थोड़ा देखते हैं। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5:20 हो रहा है, तो मैं बहुत ही जल्दी आ गया हूँ। चलिए दोस्तों, चलते हैं और हम लोग प्रदीप मिश्रा जी का वेट करते हैं। अभी 5:20 हुआ है, कितने टाइम तक आते हैं देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। यहाँ से आप लोग हर एक देश के कोने कोने तक जा सकते हो। तो ये रायपुर का हवाई अड्डा है, देख पा रहे हो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। यहाँ पर आगमन है और वहाँ से प्रस्थान है, दोनों है। तो अभी फिलहाल आगमन से अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं कुछ देर बाद, और अभी बज रहे हैं 5:30। तो लगभग जल्दी से जल्दी अब आने वाले हैं। वेट करते कुछ देर और देख पा रहे हो इस तरीके से व्यू है हवाई अड्डा का, रायपुर का हमारे। देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, ये कार वगैरह खड़ा रहता है यहाँ पे कंटिन्यू बहुत सारे। इंदौर का फ्लाइट दिखा रहा है 6:15 में, और भोपाल का फ्लाइट दिखा रहा है 6:55 में। दो तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो ये रहा आगमन का गेट, देख पा रहे हो यहाँ पर कई सारे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई है। तो दोस्तों, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बैठा हुआ था यहाँ पर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के जो सामने पर, अभी पता चला मुझे कि वो आ रहे हैं इंदौर से नहीं, भोपाल से आ रहे हैं। तो 6:55 पे वो आने वाले हैं यहाँ पर, तो उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। अभी लगभग 6:10 हो गया है, तो बस कुछ ही देर और बैठते हैं, उसके बाद फिर इंतज़ार का फल मीठा होता है, बस वही वेट कर रहे हैं हम। तो दोस्तों, अभी है 6:30 हुआ है, और अभी फिलहाल लाइट के सामने मैं आके वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पीछे देख पा रहे हो एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत लग रही है, क्योंकि लाइट वाइट जल रही है जगमगाते हुए। और अभी समिति के सदस्य यहाँ पर आ चुके हैं आगमन के लिए, आगमन की तैयारी के लिए, और जस्ट थोड़ी देर में आने वाले। अभी टाइम हो रहा है 6:30। यहाँ देख पा रहे हो कि ये वाली सब गाड़ियाँ हैं जो शिव महापुराण कथा के, और सभी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है कुछ देर में। अभी महाराज जी जो है आगमन करेंगे यहाँ से, बाहर अंदर से बाहर आने वाले हैं, तो बस 5-10 की बात है। यहाँ पर पूरे देख पा रहे हो सदस्य आ चुके हैं, और ये है एयरपोर्ट का अंदर कुछ अंदर का नज़ारा देख पा रहे हो। और अंदर से ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, वो भी आप लोग को दिखाऊंगा, पूरा एक राउंड ऐसे आएंगे और यहाँ से अभी आगमन करेंगे। देख पा रहे हो भीड़ जबरदस्त पूरी गाड़ी लग गई लाइन से, जिसमें बैठने वाले फॉलोइंग गाड़ी भी है पूरे लगातार। यहाँ पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी आने वाले हैं, बस यहाँ से दिख गया है मुझे, और वहाँ पे आने वाले हैं। देख पा रहे हो यहाँ से दिखाता हूँ आप लोग को किस तरीके से आ रहे हैं, वाइट कलर के गमछे डाले हुए और यहाँ पर स्वागत में खड़े हुए हैं कुछ लोग इस तरीके से। देख पा रहे हो पुलिस वाले लोग साथ में। वो देखो पंडित प्रदीप मिश्रा जी आ गए, और यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, देख पा रहे हो यहीं से हाथ जोड़े प्रणाम किया जा रहा है, और बाहर के श्रद्धालु भी खड़े हुए बाहर में बहुत ज़्यादा लोग, और वहीं पे अभी फ़िलहाल फूल माला से स्वागत किया जा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। चलिए दोस्तों, बाहर में आएंगे तो और अच्छे से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, कोशिश करूँगा बहुत ही अच्छे से आप लोग का दर्शन हो जाए। जो देख पा रहे हो आ रहे हैं अभी महाराज जी आ रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों देख पा रहे हो पब्लिक यहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ, कितने जा, हर हर महादेव, सभी स्वागत में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ से सभी लोग आ रहे हैं, हर
भगदड़ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और देख पा रहे हो पब्लिक का यहाँ पर श्रद्धालु है। काफिला निकलने वाला है यहाँ से, देख पा रहे हो अभी फिलहाल पूरे पब्लिक यहाँ पर एकत्र हुए हैं और जितने भी यहाँ पर गाड़ी आए हुए थे सभी के सभी यहाँ पर से निकल रहे हैं। काफिला निकलते जा रहे हैं कंटिन्यू, भीड़ यहाँ से बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो इस प्रकार से। मैं दोस्तों अभी फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट से अभी फिलहाल आगे जा रहा हूँ और पंडित प्रदीप मिश्रा जी तो आगे बढ़ चुके भाई, बहुत ही आगे चले गए हैं क्योंकि उनका तो कार है स्पीड पे दबते हुए निकल चुके हैं श्रद्धालु की भीड़ से। कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल हम लोग पंडित प्रदीप मिश्रा जी का दर्शन करके आप लोगों को दर्शन कराया है। मुझे कमेंट में भर दो दोस्तों, जितने हो सके वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, जितना हो सके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही लिखे और मैं जल्दी से जल्दी आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ उनकी कार की ओर। ऐसे तो वो निकल गए होंगे बहुत आगे क्योंकि मैं बाइक में हूँ भाई, वो भी स्प्लेंडर है, धीरे धीरे ही निकल पाऊँगा, ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकता। बट जैसे भी है दर्शन हो चुकी है, आप सभी का दर्शन भी करा दिया हूँ। कई भाइयों का कमेंट आ रहा था प्रदीप मिश्रा जी से आगमन का वीडियो चाहिए, ला दिए हैं बहुत जल्दी, जैसे आए आप लोग का दर्शन करा दिए हैं। और अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ भिलाई के लिए, पोलो फुलटिंग गाड़ी वगैरह वो देख पा रहे हो सामने जा रही है प्रदीप मिश्रा जी और मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच तो चुका हूँ। गाड़ी को पूरा साइड करा दिए हैं क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी का गाड़ी आ रहा है, इसलिए सब पूरे गाड़ी को साइड राइट साइड करा दिए हैं और फोलो गाड़ी भी चल रही कंटिन्यू, ये देख पा रहे हो फोलो गाड़ी। अब ये रहा पंडित प्रदीप मिश्रा जी का गाड़ी, पूरा एकदम फोलो पलटिंग के साथ निकल रही है ज़बरदस्त टाइप में और तूफान टाइप चल रही है भाई एकदम। गाड़ी सभी गाड़ियों सामने जा रहे हैं सफारी पर बैठ के पंडित जी। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके, क्योंकि जितने भी अभी फिलहाल लगातार जितने दिन का कथा होगा 25 तारीख से 1 तारीख तक का पूरा वीडियो हमारे चैनल पर मिलने वाली है आप लोगों को, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।